चुनाव जीतना निश्चित रूप से कठिन है, इससे ज्यादा कठिन चुनाव जीतकर जनता की सेवा करना और उसका दिल जीतना है। एक शब्द है विश्वास, बहुत छोटा शब्द है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। यह बात मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे दो दिवसीय उद्बोधन भाषण में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी नव निर्वाचित विधायकों के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया वह टेक्नोलॉजी इतनी सक्रिय है कि किसी प्रकार का झूठ नहीं चल सकता। विजयवर्गीय ने नवनियुक्त विधायकों को सलाह दी कि अगर हर पोलिंग बूथ पर सोशल मीडिया की पकड़ होना जरूरी है। नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे किसी की एक कप चाय नहीं पीते, इस तरह का विश्वास जनता के बीच अर्जित करना जरूरी है। परिवार को राजनीति में कितना लाना, ऐसा है कि मैं पिछले लोकसभा और विधानसभा के पहली बार के विधायक और सांसद की सूची देख रहा था और वो दूसरी बार आए कि नहीं आए तो 30-40% लोग ही जीत पाए। उसका कारण क्या हुआ, जब मैंने उसका अध्ययन किया तो कोई अपने परिवार के कारण हारा, किसी ने अपनी पार्टी की नीति के अनुसार काम नहीं किया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई अपने कार्यालय के कर्मचारी के कारण हारा। आप विश्वास करेंगे, आपका स्टाफ कैसा होना चाहिए, मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा, अभी एक बहुत बड़ा व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार अपने ऑफिस के कर्मचारियों के कारण हार गया, एक और व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य के कारण हार गया। हमारे परिवार का राजनीति में कितना उपयोग करना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, इस बात की हमेशा चिंता करना चाहिए। चौथा, पार्टी की विचारधारा क्या है, उसके अनुरूप आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं कांग्रेस में भी, अरे यार क्या करें यार, हमारी पार्टी की नीति यही है कि हम मंदिर में नहीं जा सकते पर अकेले में जाते हैं। मैं यहाँ का उदाहरण नहीं देता, बंगाल का उदाहरण देता हूँ। बंगाल के एक मेरे साथ मंत्री थे, नगरी प्रशासन मंत्री पिछली बार के, वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो दोस्ती के कारण मैंने उनको यहाँ बुलाया। भाई साहब वो महाकाल मंदिर गए, उनकी पत्नी ने पूजा की, वो बाहर खड़े रहे। तो मैंने कहा आपकी इच्छा नहीं हो रही, बोले यार इच्छा तो हो रही पर हमारी पार्टी इजाज़त नहीं देती मंदिर जाने की। मतलब कई बार पार्टी की विचारधारा के विपरीत नहीं जाना पर अपने दिल की बात भी करना चाहिए कभी।